हम लोग बोकारो से हैं और ये हम लोग का देसी वाटर पार्क है और हम लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लग रहा है बिल्कुल वाटर पार्क में ही आ गए हम लोग, बस राइड्स नहीं है, राइड्स होना चाहिए, अदरवाइज सारी चीज है यहाँ पे। झारखंड बोकारो का बरवा घाट जो इन दिनों नेचुरल वाटर पार्क के रूप में युवाओं को काफी लुभा रहा है। डैम के ऊपर से गिरता झरना आकर्षण का केंद्र है। गर्मी से राहत पाने के लिए बोकारो धनबाद गिरिडीह के साथ साथ झारखंड के कई हिस्से से लोग पहुंच रहे हैं और जमकर आनंद उठा रहे हैं। कुछ युवा डीजे बॉक्स लेकर भी पहुंच जाते हैं और गानों के आनंद के साथ झूम कर स्नान करते हैं। लोगों का क्या कहना है आइए जानते हैं। हेलो गाइस, आई एम मनीषा ठाकुर। हम लोग यहाँ बरवा घाट में आए हुए हैं, खूब मजा आया, खूब उधर से स्लाइडिंग भी है, वो गिर रहा है, मजा आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ जाके ऐसे यू हम लोग छलांग मारेंगे। ये हम तन्मय ठाकुर सेक्टर 2 से आए हुए हैं, मजा एकदम टॉप है एकदम। हम चंदन क्यारे से आए हैं घूमने के लिए बरवा घाट, बहुत ही इंजॉय हो रहा है दोस्तों, सब कोई आया घूमने के लिए और फुल इंजॉय कीजिए एकदम। क्या दोस्तों, तापमान भी यहाँ का सही है, इतना गर्मी भी पता नहीं चल रहा है कि हाँ उतना। बोकारो जिला के चंद्रपुरा एरिया में बरवा घाट जो कि एक प्रकृति का बहुत अच्छा देन है और हमको लगता है कि इस गर्मी में एक बहुत ही सुखद अनुभव है बोकारो वासियों के लिए। ये एक नेचुरल वाटर पार्क है और इसे बोकारो वासियों को और बोकारो के अगल बगल जो भी क्षेत्र हैं उन सभी लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस जगह को हम लोग बहुत ही प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ बुलाने का हम लोग आह्वान करें ताकि ये जगह जो है पूरे झारखंड जिला में जो है ये जगह फेमस हो और हमारे जिला का बहुत ही नाम हो। हम लोग अपने फुल फैमिली के साथ आए हुए हैं, हमारे भैया भाभी हस्बैंड सबके बच्चे के साथ आए हुए हैं, हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो जितने भी बोकारो वासी हैं सबके सब यहाँ पे आइए और हम लोग देसी वाटर पार्क का खूब इंजॉय कीजिए, फुल इंजॉय कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तो वाटर पार्क से भी अच्छा है। बहुत दिन से चाहता था कि बरवा घाट आऊँ, आज मौका मिला है, कैसा होता है देखने का और बड़ा मजा आ रहा है देखने में भी।